नंबर 101 एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। तो सलाइवारे के एंजाइमटा थाए ना टायालीन एंजाइमटा आम सलाइवारे थाए। मन रखंतु जे आम सलाइवारे टायालीन एंजाइमटा थाए। नंबर 102 एसेंशियल फॉर सनलाइट सिंथेसिस। सनलाइट सिंथेसिस बा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पई कोन कोन दरकार ना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल एवं सनलाइट दरकार। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल एवं सनलाइट दरकार। नंबर 103 एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड। तो एंजाइम गुड़िक के हेल्प करती ना डाइजेस्टिंग फूड बा खाद्य डाइजेस्ट करिबारे एंजाइम गुड़िक हेल्प करती। एंजाइम हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड। नंबर 104 व्हिच डज नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल। देखंतु केउथरे कोलेस्ट्रॉल न थाए तो कोन हेबो ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल बा बादाम तेल रे कोलेस्ट्रॉल न थाए। नंबर 105 एनदर नेम फॉर विटामिन बी टू। देखंतु विटामिन बी टू को आउ कोन कहा जाए ना रिबोफ्लाविन बोली कहा जाए। विटामिन बी टू को रिबोफ्लाविन बोली मध्य कहा जाए। नंबर 106 फर्स्ट स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वाज डन बाय विलियम हार्वे। तो प्रथमे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम उपरे किए स्टडी करते विलियम हार्वे प्रथम स्टडी करते। फर्स्ट स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वाज डन बाय विलियम हार्वे। नंबर 107 ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड। तो देखो ब्लड प्रेशरटा कहा द्वारा कंट्रोल होता है ना एड्रेनल ग्लैंड द्वारा ब्लड प्रेशरटा कंट्रोल होता है। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड। नंबर 108 द प्रोसेस ऑफ प्यूरीफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस। देखो प्यूरीफिकेशन ऑफ ब्लड रो प्रोसेस को कौन कहा जाए डायलिसिस बोली कहा जाए। मन रखंतु द प्रोसेस ऑफ प्यूरीफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस। नंबर 109 ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज स्पिग्मोमैनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर को क्यों इंस्ट्रूमेंट द्वारा मपा जाए स्पिग्मोमैनोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर को मपा जाए। ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज स्पिग्मोमैनोमीटर। नंबर 110 प्लास्मोडियम इज ए पारासाइट अब मलेरिया डिजीज। तो प्लास्मोडियम टी कौन प्लास्मोडियम हो मलेरिया डिजीज रो गोटे पारासाइट। प्लास्मोडियम इज ए पारासाइट अफ मलेरिया डिजीज। नंबर 111 द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेलटा कौन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हो द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। नंबर 112 द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज द नर्व सेल। मनुष्य शरीर लॉन्गेस्ट सेल हो नर्व सेल। मन रखु द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज द नर्व सेल। नंबर 113 स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। देखो क्यों विटामिन रो अभाव रे स्कर्वी रोगटा होइथाय। तो कौन हेबो विटामिन सी। विटामिन सी रो अभाव रे स्कर्वी रोगटा होइथाय। स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। नंबर 114 लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क। तो लैक्टोजटा केउठारे थाए ना मिल्क बा खीर रे लैक्टोजटा थाए। लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क। नंबर 115 व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी। आयरन बा लौह रो अभाव रे के रोगटा होइथे ना एनीमिया रोगटा लौह बा आयरन रो अभाव रे होइथाय। नंबर 116 व्हिच हार्मोन कंट्रोल्स ब्लड ग्लुकोज लेवल। तो केउ हार्मोनटा ब्लड ग्लुकोज लेवल को कंट्रोल करिथाय। केउ हार्मोन ना इंसुलिन हार्मोन। मने रखंतु इंसुलिन हार्मोन ब्लड ग्लुकोज लेवल को कंट्रोल करिथाय। नंबर 117 व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो मनुष्य शरीर रे केते प्रतिशत ऑक्सीजन थाए। केते प्रतिशत ना 65% पाखा पाखी 65% ऑक्सीजन मनुष्य शरीर रे थाए। नंबर 118 वैक्सीन डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर इज रिलेटेड टू व्हिच डिजीज। तो केउ रोगर वैक्सीन एडवर्ड जेनर डेवलप करथिले। तो केउ रोग चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स रोगर वैक्सीनटा एडवर्ड जेनर डेवलप करथिले। नंबर 119 द लार्जेस्ट ग्लांड इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य शरीर लार्जेस्ट ग्लांड बा बृहत्तम ग्रंथिटी केउटी द लिभर। लिभर हेउची मनुष्य शरीर बृहत्तम ग्रंथि। नंबर 120 ग्लुकोज रिलीज विथ यूरिन इज ए साइन ऑफ व्हिच डिजीज। देखंतु यूरिन सहित ग्लुकोज रिलीज हेबा केउ रोगर गोटे संकेत अटे। तो मन रखंतु डायबिटीज संकेत अटे। यूरिन सहित ग्लुकोज रिलीज हेबा डायबिटीज संकेत अटे। नंबर 121 व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मनुष्य मस्तिष्क बा ह्यूमन ब्रेन रो वेटटा केते बा ओजनटा केते एप्रोक्सीमेटली अबाउट 1.4 किलोग्राम। 1.4 किलोग्राम हेउचे ह्यूमन ब्रेन रो ओजन। नंबर 122 क्लोरोक्विन इज एंटीबायोटिक ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। देखंतु क्लोरोक्विनटा कौन तो क्लोरोक्विनटा हेउचे गोटे एंटीबायोटिक ड्रग। कौन पाई व्यवहार करा जाए ना ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया पाई क्लोरोक्विनटा व्यवहार करा जाए। नंबर 123 द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। देखंतु विटामिन ए रो केमिकल नेम होउची रेटिनॉल। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। नंबर 124
द स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड ट्रिकोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर को कौन कहा जाए, स्टडी ऑफ हेयर को ट्रिकोलॉजी कहा जाए, द स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड ट्रिकोलॉजी। क्लास टी को गोटे लाइक निश्चय करंतु, सांगसाथी मानक सहित शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु, एवं एहार पीडीएफ पाइबा पई डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक को क्लिक करी टेलीग्राम चैनल रे ज्वाइन हो जांतु। सेठारे आपण माने समस्त क्लास रो पीडीएफ पाई परिबे, एवं जदि आपण प्रीवियस क्लास गुडी को करी ना हो तो प्लेलिस्ट को जाई के चेक करके प्रथम रो समस्त क्लास गुडी को करी परिबे। नेक्स्ट देखंतु नंबर 125, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इट्स स्किन। तो मनुष्य शरीर लार्जेस्ट पार्टा कौन, स्किन बा चर्म, चर्म हेउची मनुष्य शरीर लार्जेस्ट पार्ट। नंबर 126, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स इज फ्लावर। देखंतु प्लांट बा उद्भिदर रिप्रोडक्टिव पार्ट हेउची फ्लावर बा फूल, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स इज फ्लावर। नंबर 127, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलोजी। द स्टडी ऑफ फ्रूट, स्टडी ऑफ फ्रूट को कौन कहा जाए ना, पोमोलोजी कहा जाए, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलोजी। नंबर 128, द प्यूरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर। देखंतु मिल्क रो प्यूरिटी को क्यों थरे मपा जाए ना, लैक्टोमीटर रे मपा जाए, द प्यूरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर। नंबर 129, कोबाल्ट इज फाउंड इन वाइटामिन बी 12। देखंतु वाइटामिन बी 12 रे कौन थाए ना, कोबाल्ट थाए, कोबाल्ट इज फाउंड इन वाइटामिन बी 12। नंबर 130, द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज द ओस्ट्रिच। देखंतु विश्वर बृहत्तम पक्षी होउची ओटा पक्षी, द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज द ओस्ट्रिच। नंबर 131, मिल्क चीज एंड एग्स आर रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन ए एंड डी। देखंतु मिल्क चीज एवं एग्स बा अंडा रे क्यों सोर्सटा अधिक थाए ना, वाइटामिन ए एवं वाइटामिन डी टा अधिक थाए। मन रखंतु मिल्क चीज एंड एग्स आर रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन ए एंड डी। नंबर 132, व्हिच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कहा को पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कहा जाए, तो समस्त जानिथिबे जे माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कहा जाए। नंबर 133, पिलाग्रा इज ए व्हाट काइंड ऑफ डिजीज। तो पिलाग्रा गोटे क्यों प्रकार डिजीज अटे ना, गोटे स्किन डिजीज अटे, पिलाग्रा हेउची गोटे स्किन डिजीज। नंबर 134, व्हिच टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो कैंसर रो डायग्नोसिस पई क्यों टेस्टा करा जाए ना, बायोप्सी टेस्टा करा जाए, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर पई बायोप्सी टेस्टा करा जाए। नंबर 135, प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम सोइल। प्लांट बा उद्भिद गुड़िक तांकर न्यूट्रिएंटा क्यों ठारू ग्रहण करथांती, सोइल बा मृतिका ठारू तांकर न्यूट्रिएंटा ग्रहण करथांती। नंबर 136, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन। देखंतु जेउ टिश्यू बोन को मसल सहित कनेक्ट करथाय ताकू कोन कहा जाय, ताकू टेंडन कहा जाय। मन रखंतु जेउ टिश्यू बोन गुडी को मसल सहित कनेक्ट करथाय ताकू टेंडन कहा जाय। नंबर 137, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बोन को कोन कहा जाय, ओस्टियोलॉजी कहा जाय, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। नंबर 138, द मसल व्हिच सेपरेट द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज नोन एज सेप्टम। मन रखंतु जो मसलटा कौन करे ना, राइट साइड एवं लेफ्ट साइड रो हार्ट को सेपरेट करे ताकू कौन कहा जाए, सेप्टम कहा जाए, द मसल व्हिच सेपरेट द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज नोन एज सेप्टम। नंबर 139, मम्स इज अ डिजीज कॉस्ट बाय वायरस। तो मम्स गोटे कौन, मम्स हूँ गोटे डिजीज जहाँकि कहा द्वारा होता है ना, भाइरस द्वारा होता है, मम्स इज अ डिजीज कॉस्ट बाय वायरस। नंबर 140, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th June। देखो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के पालन करा जाए ना, 5 June रे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पालन करा जाए। नंबर 141, येलो प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावर प्रोटीन्स। देखो येलो प्रोटीन को आउ कौन कहा जाए ना, फ्लावर प्रोटीन बोली मध्य कहा जाए, येलो प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावर प्रोटीन्स। नंबर 142, व्हिच इज द स्टडी ऑफ फ्लावर कॉल्ड। देखंतु स्टडी ऑफ फ्लावर को कौन कहा जाए ना, आंथोलॉजी बोली कहा जाए, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड आंथोलॉजी। नंबर 143, हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। द फादर ऑफ जूलॉजी किए, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। नंबर 144, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किए, यह मध्य अरिस्टोटल, अरिस्टोटल होती फादर ऑफ जूलॉजी एवं फादर ऑफ बायोलॉजी। नंबर 145, व्हाट इज बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडाटा कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट। नंबर 146, मोस्ट हाइली इंटेलिजेंट मामल्स आर डॉल्फिन्स। तो डॉल्फिन गुड़िक होती मोस्ट हाइली इंटेलिजेंट मामल। नंबर 147, O2 रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। देखो आम जाने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे
ओटू बा ऑक्सीजनटा रिलीज होइथाय तो ताहा केउठारु आसीथाय ताहा वाटर रु आसीथाय ओटू रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर नंबर 148 नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय लैक ऑफ व्हिच विटामिन तो क्यों विटामिन रो अभाव रे नाइट ब्लाइंडनेस होइथाय तो विटामिन ए रो अभाव रे नाइट ब्लाइंडनेस होइथाय मन रखंतु नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय लैक ऑफ विटामिन ए नंबर 149 व्हेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन ए सेल तो गोटे सेल रे केउठी प्रोटीन सिंथेसिस होइथाय तो राइबोसोम रे गोटे सेल रो राइबोसोम रे प्रोटीन सिंथेसिस होइथाय नंबर 150 हिमोग्लोबिन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आरबीसी तो हिमोग्लोबिन टा कोनो हिमोग्लोबिन हेउची आरबीसी रो गोटे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट तो ए थिला किछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्लास टी को गोटे लाइक निश्चय करंतु सांगो साथी मानको सहित शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करी रखंतु कारण आमे जेते बेले भी न्यू वीडियो टी अपलोड करिवु आपनको पाखो को सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन टी पहुंची पारिबो जदि प्रीवियस क्लास गुडी को करी ना हो तो प्लेलिस्ट को जाई के चेक करिके प्रथम रो क्लास गुडी को करि पारिबे एवं एहार पीडीएफ पाइबा पई डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक को क्लिक करी टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जांतु सेठारे आपन माने समस्त क्लास रो पीडीएफ पाइ पारिबे धन्यवाद।